गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोग अमलगमेशन स्टार्ट किया था एंड हम लोगों ने मीनिंग ऑफ अमलगमेशन देख लिया है एंड कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन देख लिया। कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन का हम लोग चार सम किया था, राइट? अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे आज। बेसिकली सबसे पहले हम लोगों ने मीनिंग समझ लिया है ऑलरेडी, राइट? अगर आप देखेंगे हमारा जो फर्स्ट क्लास था उसमें हम लोगों ने अमलगमेशन का मीनिंग देख लिया है, राइट? तो इसमें तीन चीज आता है। अमलगमेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है, राइट? देन वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी एंड द ट्रांसफरर कंपनी। दिस इज द न्यू कंपनी, दिस इज द ओल्ड कंपनी, राइट? परचेस कंसिडरेशन का मीनिंग एंड उसका कैलकुलेशन। कैलकुलेशन अगेन नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड। परचेस कंसिडरेशन का मीनिंग क्या है? अमाउंट पेबल बाय न्यू कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी, नॉट डिबेंचर होल्डर। इसका मतलब हम लोग जो परचेस कंसिडरेशन निकालते हैं, इट इज नॉट द टोटल कंसिडरेशन फॉर द ओल्ड कंपनी। इसके अलावा मैं डिबेंचर होल्डर को जो देता हूं वो अलग है। बट फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, परचेस कंसिडरेशन का मतलब क्या है? अमाउंट पेबल टू द शेयर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी। पुराने कंपनी के डिवेंचर होल्डर को भी मैं अपना डिवेंचर दूंगा बदल के, जैसे मैं पुराने कंपनी के शेयर होल्डर को, इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, उनको मैं अपना कंपनी का शेयर देता हूं, कुछ कुछ कैश भी देता हूं, वैसे डिवेंचर होल्डर को भी मैं क्या करता हूं, पहले मैं उनको खरीद लेता हूं, खरीदने के बाद फिर रिप्लेस करता हूं मेरा डिवेंचर से, तो वो भी तो कंसिडरेशन का पार्ट हुआ। लेकिन वो AS 14 का मीनिंग में नहीं है। AS 14 का मीनिंग में वही कंसिडरेशन आएगा जो अपन शेयर होल्डर को देते हैं, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी इज ऑल्सो कंसिडरेशन, बट नॉट इन द मीनिंग ऑफ AS 14। AS 14 में परचेस कंसिडरेशन का मीनिंग वही है जो अपन शेयर होल्डर को देते हैं। इज इट फाइन? हाँ, तो काफी सारा चीज हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, आज हम लोग रिमेनिंग चीज डिस्कस करेंगे। बेसिकली टुडे वी विल डू अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, दैट इज द परचेजिंग कंपनी, जो आप लोग देखेंगे हमारा थर्ड पॉइंट था। लेकिन अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी के लिए हमको मेथड ऑफ अमलगमेशन भी समझना पड़ेगा। राइट? आइए, सो बेसिकली हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे आज अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, राइट? ये ओल्ड कंपनी है और ये न्यू कंपनी। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? एसेट लाइबिलिटी ऑफ ओल्ड कंपनी आर
ट्रांसफर टू द न्यू कंपनी, बदले में न्यू कंपनी क्या देगा? हाँ, परचेज कंसिडरेशन। हाँ, और इसको फिर ये डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग शेयर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी। सो दिस थिंग वी नो। अब अगर मैं न्यू कंपनी की बात करूं, अगर मैं न्यू कंपनी की बात करूं तो वन एंड टू न्यू कंपनी को थ्री से कोई लेना देना नहीं है। न्यू कंपनी को पॉइंट नंबर थ्री से हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट, नया कंपनी को इससे मतलब नहीं। नया कंपनी सिंपल ये देखेगा क्या क्या एसेट लाइबिलिटी उसने खरीदा और बदले में उसने क्या दिया है। राइट नाउ, जब भी आप अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी करते हैं ना, ये दो मेथड से किया जाता है। मेथड नंबर वन, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। नंबर टू, परचेज मेथड। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन का जहां तक सवाल है, सुनो मेरा बात, चार क्वेश्चन हमने लास्ट ईयर किया, उसका पीडीएफ आपको वहां वीडियो के साथ में दिया हुआ है। राइट नाउ, जितना भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे अकाउंटिंग वाला, उसमें वापस से अपने को परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा। देखो, पहले हमने प्लेन परचेज कंसिडरेशन का सम किया, अब अकाउंटिंग वाले प्रॉब्लम में भी हमको परचेज कंसिडरेशन तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 बोलता है दो मेथड है, कब कौन सा मेथड लगेगा ये देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए अब हम लोग बात करेंगे, अमलगमेशन दो टाइप का होता है। व्हेन आई टॉक अबाउट अमलगमेशन, एक होता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, एक होता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अब बिल्कुल साफ है, पांच कंडीशंस हैं, ऑल ऑफ फाइव कंडीशंस सेटिस्फाइड। पांचों का पांचों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगा पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से करेंगे। इफ नॉट सेटिस्फाइड, मतलब एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ, परचेज मेथड से अकाउंटिंग होगा। ठीक है,
पहला कंडीशन, पुराना कंपनी का जितना भी शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर, दे हैव अग्रीड टू बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ न्यू कंपनी। आज मैंने तुमसे तुम्हारा बिजनेस खरीद लिया, बिजनेस खरीद लिया मतलब एसेट लायबिलिटी खरीद लिया, हाँ या ना, बिजनेस खरीद लिया मतलब एसेट लायबिलिटी खरीद लिया, बदले में मैंने तुमको कुछ दिया है, क्या दिया, इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी, हाँ या ना। इसका मतलब ये जो शेयर होल्डर हैं, इसके पास में एमलगमेशन के पहले कौन से कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट था, एमलगमेशन के बाद, सो दे हैव अग्रीड टू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ न्यू कंपनी ना। अब इसमें से 15% शेयर होल्डर बोलता है राइट, 15% शेयर होल्डर बोलता नो मैं नहीं बनूंगा, I will not become shareholder of your company. Then in that case, I will give cash for them. तो पहला कंडीशन बोलता at least 90% agree to become shareholder of minimum 90% shareholder of old company agree to become shareholder of new company, ठीक है। जो लोग अग्री किया है उनको बदले में शेयर ही मैंने दिया है, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी आर गिवन ओनली इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी, मतलब अगर मैं सभी को शेयर भी दे रहा हूं और कैश भी दे रहा हूं, सपोज करो मैं आपको बताता हूं, आप मेरे को बताओ, सपोज 1,00,000 इक्विटी शेयर है ओल्ड कंपनी का, ₹92,000 इक्विटी शेयर अग्री टू बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ न्यू कंपनी, 8,000 डज नॉट अग्री, तो नया कंपनी परचेज कंसिडरेशन देगा, तो नया कंपनी परचेज कंसिडरेशन में इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी देगा, कैश भी देगा, तो ये किसके लिए और ये किसके लिए, ये इसके लिए और ये इसके लिए, कंडीशन सेटिस्फाइड। लेकिन मान लो अगर ऐसा केस है ऑल अग्री, सब अग्री कर गया है, लेकिन नया कंपनी परचेस कंसीडरेशन में इक्विटी शेयर भी दे रहा है, सभी लोगों के लिए कैश भी है शेयर भी है, पहला बात तो मिनिमम 90% अग्री होना चाहिए, यहां पे मिनिमम 90% अग्री हो रहा है, इधर भी मिनिमम 90% अग्री हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो अग्री हुआ उन लोगों को खाली शेयर मिल रहा है, कैश किन लोगों को मिल रहा है, जो लोग अग्री नहीं किया, यहां पे कैश किसको मिल रहा है,
जो अग्री किया है, जो अग्री किया उसको बदले में खाली शेयर ही मिलना चाहिए, तभी पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगेगा। पहला बात, 90% अग्री टू बिकम शेयर होल्डर, ओके, जो लोग अग्री किया उन लोग को बदले में खाली इक्विटी शेयर मिलना चाहिए और कुछ नहीं, कैश नहीं चलेगा। क्लियर? हाँ राइट। यहां पे भी कैश है, यहां पे कैश किसके लिए है? इसको बोलते हैं डिसिस्टेंट शेयर होल्डर, जो अग्री नहीं करता है उनके लिए कैश है, चलेगा। लेकिन यहां किसके लिए? जो अग्री किया। अग्री करने वालों को कैश तो दे सकते हो, देने में मना ही नहीं है, बट मेथड फिर परचेज मेथड लगे जाएगा। नया कंपनी में अकाउंटिंग करना है ना, अलग अलग मेथड्स होते हैं, राइट? समझ में आया? क्लियर? नंबर थ्री, ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू न्यू कंपनी। सारा एसेट एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर हुआ है नया कंपनी को, कुछ भी बाकी नहीं है। नो एडजस्टमेंट इन द कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर्ड, मतलब जिस जिस वैल्यू में ओल्ड कंपनी दिखा रहा था उसी वैल्यू में नया कंपनी भी अपने बुक्स में दिखाएगा। बिजनेस ऑफ ओल्ड कंपनी विल बी कैरिड बाय न्यू कंपनी आफ्टर अमलगमेशन। आपको ये धंधा कैरी करना पड़ेगा, बंद नहीं कर सकते आप। अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड है तभी आप एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है और पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगेगा। इसमें से अगर एक भी कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? ये परचेज मेथड। तो एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के लिए पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ेगा। एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के लिए ऑल द फाइव कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। पुराना कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर, दे हैव अग्रीड टू बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ न्यू कंपनी। जो लोग भी अग्री किया उनको खाली हम शेयर दे रहे, कैश नहीं दे रहे। कैश दे भी रहे तो किसके लिए? जो अग्री नहीं कर रहा है। लेकिन नहीं अग्री करने की तादाद लेस देन 10% होना चाहिए। अगर मान लो 20% शेयर होल्डर अग्री नहीं कर रहा है तो ऑटोमेटिकली पहला कंडीशन ही पिट गया। सारा का सारा एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर करना नया कंपनी को, पुराना कंपनी अपने पास कुछ भी नहीं बचा के रख सकता। जो भी ट्रांसफर होगा वो पुराना कंपनी का वैल्यू में ही होगा, नया कंपनी को उसी वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा। और जो भी तुम्हारा बिजनेस है वो मैं कैरी करूंगा, न्यू कंपनी विल कैरी दैट बिजनेस। इज इट फाइन एवरीवन? राइट। इफ ऑल कंडीशंस ऑलरेडी मैंने लिख दिया ऊपर आर नॉट सेटिस्फाइड देन इट इज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज एंड अकाउंटिंग विल बी डन एज पर
परचेज मेथड। क्लियर? इज इट फाइन? आइए लिख लो। देखिए, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में लगेगा, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यहां लगेगा, परचेज मेथड। मीनिंग ऑफ ऑलरेडी डिस्कस्ड, एमलगमेशन, अब्सॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इज डन टू रीऑर्गेनाइज द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। टाइप्स ऑफ अमलगमेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। All must be satisfied. All the assets and liabilities of the old company after amalgamation become asset and liability of the new company. हम लोगों का ये कंडीशन नंबर थ्री था। सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 90% अग्री टू बिकम शेयर होल्डर ऑफ द न्यू कंपनी। कंसिडरेशन जो मिलेगा दोज हु हैव अग्रीड टू बिकम, उनको बदले में खाली शेयर ही मिलना चाहिए। Business of old company will be carried on by the new company. No adjustment is to be made to the book value of old company ka asset and liability when they are incorporated in the new company. Got my point? To ye sara condition satisfy hoga, right? Difference diya hua hai. पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगेगा, एक भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो परचेज मेथड से अकाउंटिंग करेंगे। ये बोलता है सारा एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि सारा एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर हो। जब सारा एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं होगा तो ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा। कंडीशन एक भी नॉट सेटिस्फाइड, एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो गया, परचेज मेथड लगा देंगे।
जरूरी नहीं है सारा शेयर होल्डर लोग अग्री करेगा, जरूरी नहीं है बदले में मैं खाली शेयर ही दूं, कैश भी दे सकता हूं। मैंने तुम्हारा एसेट लाइबिलिटी खरीदा, तुम्हारा धंधा कैरी फॉरवर्ड मैं नहीं भी कर सकता हूं। राइट और ऐसा हो सकता है तुमने अगर किसी एसेट को 2 लाख पे दिखा रखा है बट मेरे हिसाब से उसकी कीमत कम होनी चाहिए, तो हो सकता है आई मे नॉट शो एसेट एंड लाइबिलिटी इन माई बुक्स एट योर वैल्यू, आई माइट शो एट अ डिफरेंट वैल्यू। राइट, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगेगा, और इन द नेचर ऑफ परचेज हुआ तो परचेज मेथड लगेगा। क्लियर, दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, पीसी कैलकुलेशन हमने बात कर लिया ऑलरेडी, आगे जब बढ़ेंगे तब और हम लोग देख लेंगे। ठीक है, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, परचेज मेथड, कब परचेज लगेगा कब पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट लगेगा कंडीशंस के बेसिस पे डिसाइड करना है। पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, दिस वी विल टॉक लेटर। सो अकाउंटिंग इन द books of new company as per purchase method। ठीक है, मतलब कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ है। क्लियर, जितना भी एसेट लाइबिलिटी पुराना कंपनी ट्रांसफर किया है, मतलब नया कंपनी खरीदा है तो नया कंपनी उसको इनकॉर्पोरेट करेगा फेयर वैल्यू में। ठीक है, और परचेज और नेटो में जो डिफरेंस है गुडविल होगा, ये मैंने लास्ट डे आपको बता दिया था। अगर नेटो ज्यादा है कैपिटल रिजर्व, ठीक है हम लोग दिखाएंगे आपको सारा, जर्नल एंट्री कराऊंगा मैं आपको, ये स्टेप्स दिखाया है ये लोग। नो रिजर्व ऑफ द ओल्ड कंपनी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। पुराना कंपनी का बुक्स में जो रिजर्व एंड सरप्लस है, जो पीएल है, वो मैं नहीं खरीदा हूं, मैंने तुम्हारे एसेट लाइबिलिटी खरीदे हैं। इसको मैं बताऊंगा आपको अलग से, अदर देन स्टैट्यूटरी रिजर्व। ठीक है, और
नया कंपनी पुराना कंपनी का खाली स्टैट्यूटरी रिजर्व दिखाता है ना। स्टैट्यूटरी रिजर्व होता क्या है, तुम लोग टैक्स में सीखेगा, टैक्स हॉलिडे बोल के एक चैप्टर है। मान लो मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपना फैक्ट्री बनाया हूं, राइट, मैंने कमाया ना, उस कमाई पे अगर सरकार टैक्स लगाएगी तो नेक्स्ट ईयर री इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कम बचेगा मेरे पास। अगर मैंने 100 रुपया अर्न किया, उस पर 30% टैक्स लगे, तो 70 रुपया अगले साल मैं री इन्वेस्ट करूंगा। वहीं पे अगर ये सरकार ये टैक्स माफ कर दे तो मेरा नेट प्रॉफिट 100 आएगा, अगले साल री इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 100। तो किसमें ग्रोथ ज्यादा जल्दी होगा, टैक्स लगाने से कि नहीं लगाने से? नहीं लगाने से। इसलिए सरकार हमको टैक्स की छुट्टियों पे भेज देती है, बोला आने वाला 5 साल तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम अनडेवलप्ड एरिया, अंडर डेवलप्ड एरिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इस टाइप का जोन में तुम काम कर रहे हो, फैक्ट्री बनाए हो, गर्व वाला बात है। टाटा आज डेवलप्ड है, जमशेदपुर आज से 40 साल 50 साल पहले का देखो पोजीशन। वॉज दैट सिटी दैट डेवलप्ड? इट इज बिकॉज ऑफ टाटा जी। कहीं पर भी कोई भी एरिया में कोई अच्छा फैक्ट्री आ जाए, रोजगार क्रिएट कर दे, वो टाउन चमकने लगता है। तो सरकार कह रही है कि भैया आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको ग्रोथ फैक्टर चाहिए, जल्दी जल्दी इसको और डेवलप करिए, राइट, तो मैं आपको टैक्स नहीं लगाऊं। तो टैक्स नहीं लगाऊंगा बोलने से नहीं होता है, सरकार बोल रही है आप जितना भी आपने कमाया इसका आप स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन करिए, पैसा यूज करिए बिजनेस में, लेकिन इसको आप स्टैट्यूटरी रिजर्व में डालिए। कहने का मतलब है अगर मैं इसको पीएल में छोड़ दूं तो शेयर होल्डर लोग डिविडेंड ले सकता है, शेयर होल्डर अगर डिविडेंड ले गया तो फिर पर्पस ऑफ री इन्वेस्टमेंट सर्व कहां हुआ? आज एक तरीके से तुम देखो, सरकार मैंने नेट प्रॉफिट 100 कमाया, इसमें सरकार ने 30 टैक्स ले लिया, तो ये मेरा रिटेन्ड अर्निंग, इसको मैं रीइन्वेस्ट करूंगा। अब दूसरे केस में सरकार बोलती है मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा, रिटेन्ड अर्निंग 100 रीइन्वेस्ट होगा। अब मान लो सरकार टैक्स नहीं लगाती है, 100 में मैंने 100 डिविडेंड दे दिया, रिटेन्ड अर्निंग। इसलिए सरकार बोलती है जब आप कमाएंगे ना आप इसको स्टैट्यूटरी रिजर्व में डालिए, मतलब ब्लॉक करिए, ब्लॉक दिस, आप इसे डिविडेंड नहीं दे सकते। यू हैव टू मेंटेन दिस रिजर्व फॉर अपकमिंग 5 years, जब तक आपकी टैक्स की छुट्टियां चल रही हैं। तो मैं 3 साल से मेंटेन कर रहा हूं, अभी भी 2 साल मेरे को और मेंटेन करना है, मेरी टैक्स की छुट्टियां अभी खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन उसी बीच मैं किसी के साथ जाके मिल रहा हूं। राइट, मेरा अमलगमेशन हो रहा है नई कंपनी में, तो मैं साथ में ये रिजर्व्स को भी लेके जाऊंगा, इसी रिजर्व को, नॉर्मल रिजर्व को नहीं, जिसे कि जिसने मेरे को खरीदा है वो भी टैक्स की छुट्टियों पे चला जाए, तब ना आएगा मजा। राइट, तो आप टैक्स लगाओगे, रिटेन्ड अर्निंग कम, री इन्वेस्टमेंट कम, ग्रोथ कम, टैक्स मत लगाओ, रिटेन अर्निंग ज्यादा, ग्रोथ फास्टर, पैसे से पैसा बनता है, री इन्वेस्टमेंट से ही ग्रोथ होता है। लेकिन आप टैक्स नहीं लगाए लेकिन अगले दिन वो लोग डिविडेंड बांट लेगा, मौज करेगा पैसा से, नहीं होगा। आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व में डालना पड़ेगा और आने वाला 5 साल तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो 3 साल से मैं मेंटेन कर रहा हूं, आने वाला 2 साल नया कंपनी मेंटेन करेगा, इसीलिए ये रिजर्व तो नया कंपनी का है नहीं, इसीलिए इसकी अकाउंटिंग एंट्री अलग से की जा रही है, there is a separate accounting entry, amalgamation adjustment reserve to statutory reserve।
और नया कंपनी इसको बेसिकली नया कंपनी में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नया कंपनी इसको अपना रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएगा और इसको भी रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएगा एज नेगेटिव आइटम, जैसे पीएल डेबिट बैलेंस को दिखाता है। बस खाली इसको दिखाने से मैं भी टैक्स से छुट्टियों पे चला जाऊंगा, राइट? देखो स्टैट्यूटरी रिजर्व दिखा रहा हूं, वही चीज यहां नीचे माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना? अल्टीमेटली नेट इफेक्ट इन बैलेंस शीट टोटल इज जीरो। ठीक है ना? इज इट फाइन? चलिए तो सबसे पहला एंट्री आएगा बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, ठीक है? बिजनेस परचेज एंड परचेज कंसिडर। तो मैंने ओल्ड कंपनी से बिजनेस खरीदा है, मैंने ओल्ड कंपनी से क्या खरीदा है? बिजनेस खरीदा है ना? तो मैंने ओल्ड कंपनी से बिजनेस खरीदा और बदले में मैं जो परचेज कंसिडरेशन है ओल्ड कंपनी का डायरेक्टर को हैंडओवर नहीं करूंगा, क्योंकि जब ओल्ड कंपनी तो बंद होगा, जब भी कोई कंपनी बंद होता है ना तो उसको लिक्विडेटर अपॉइंट करना पड़ता है, तो डायरेक्टर का सारा चार्ज अब लिक्विडेटर के हाथ में आ जाता है। लिक्विडेटर सारा एसेट को बेचेगा, सारा लायबिलिटी को पेमेंट करने का जिम्मेदारी लिक्विडेटर का हो जाता है। नॉर्मली मान लो अगर ये अमलगमेशन नहीं होता, मान लो कोई कंपनी बंद हो रही है, तो डायरेक्टर का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं खत्म हो जाता है, लिक्विडेटर आ जाता है। तो लिक्विडेटर का काम क्या होता है? सारा एसेट बेचेगा, सारा लायबिलिटी को लाइन से पेमेंट करेंगे इन द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। तो जो भी परचेस कंसिडरेशन मैंने देना है मैं तुमको नहीं दूंगा, तुम्हारे डायरेक्टर को नहीं दूंगा। तुमको मतलब ना ही मैंने शेयर होल्डर को डायरेक्टली देना है, ना ही मैंने डायरेक्टर को हैंडओवर करना है, मैंने लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी को हैंडओवर करना है। एसेट लायबिलिटी इनकॉर्पोरेटेड एट न्यू वैल्यू, क्योंकि परचेज मेथड में सब न्यू वैल्यू में इनकॉर्पोरेट होगा। एसेट लाइबिलिटी इनकॉर्पोरेटेड एट न्यू वैल्यू दैट इज फेयर वैल्यू। मर्जर होने से क्या होता है? हाँ, पुराना कंपनी का जो बुक वैल्यू उसी में रिकॉर्ड होगा। यश को बोल दो। राइट? अगर ये मर्जर मेथड होता तो क्या होता? जो वैल्यू पुराने कंपनी के बैलेंस शीट में वही वैल्यू में ट्रांसफर होगा। नो एडजस्टमेंट इज मेड इन द कैरिंग वैल्यू, बट यहां पे परचेज मेथड में
नया कंपनी कैन शो एसेट एंड लाइबिलिटी एट वॉट एवर वैल्यू ही फील्स लाइक, जो भी उसका फेयर वैल्यू होगा, राइट? सो करना है क्या हम लोगों को? सन्ड्री एसेट्स डेबिट न्यू वैल्यू या फेयर वैल्यू, जो बोलना है, एक लाइन छोड़ के। सन्ड्री लाइबिलिटीज फेयर वैल्यू, टू बिजनेस परचेस, जो झोला बिजनेस परचेस का झोला से ना ये सब निकल रहा है, हाँ है ना, ये बिजनेस परचेस है बीपी, इसी में से सारा एसेट्स निकलेगा। तुम अनार खरीद के लाया, चिंगारी निकलती कि नहीं? जितना ऊंचा जाता हम लोग उतना ताली बजाते हैं, राइट? सो बिजनेस परचेस किया आपने, बिजनेस परचेस किया मतलब एसेट एंड लाइबिलिटी खरीदा है, और आप इन एसेट्स लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करेंगे सामने वाले का वैल्यू पे नहीं, आपका फेयर वैल्यू पे, यही परचेस मेथड है। डिफरेंस अगर आएगा, हो सकता है आपने ज्यादा पैसा दे दिया हो, सामान कम खरीदा हो, गुडविल डेबिट बैलेंसिंग फिगर, बीइंग एसेट लाइबिलिटी इनकॉर्पोरेटेड, बीइंग एसेट लाइबिलिटी इनकॉर्पोरेटेड, राइट? नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन, तो मैंने लिक्विडेटर को देना है, मैंने क्या क्या दिया है, इक्विटी शेयर दिया है, प्रेफरेंस शेयर दिया है, डिबेंचर भी दिया है, मैंने जो डिबेंचर दिया डिबेंचर होल्डर के लिए डिबेंचर नहीं दिया, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए डिबेंचर दिया है। अगर ये मर्जर होता तो इक्विटी शेयर होल्डर को बदले में खाली इक्विटी शेयर ही दिया होता, और कुछ नहीं दे सकते आप, लेकिन मैंने यहां पे इक्विटी शेयर दिया है। अच्छा, कैपिटल में जाएगा फेस वैल्यू, और इक्विटी शेयर में अगर ज्यादा में इश्यू किया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा, हाँ या ना? हाँ? बदले में कैश भी दे सकता हूं मैं, मर्जर में अलाउड नहीं है, लेकिन परचेज मेथड में अलाउड है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी फेस वैल्यू, डैश परसेंट डिवेंचर फेस वैल्यू, ये जो भी मैंने दिया है फॉर इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर होल्डर दिया है,
ठीक है। बींग पीसी पेड, ठीक है। हाँ? डिवेंचर टेकन ओवर सेटल्ड। ये देखो, ये जो लाइबिलिटी है ना, दिस लाइबिलिटी इज इंक्लूडिंग डिवेंचर्स। हाँ है ना, ये जो लाइबिलिटी है दिस इज इंक्लूडिंग डिवेंचर्स। तो अब मैं इसको नया डिवेंचर दे दूंगा, ठीक और हो सकता है मैंने डिबेंचर प्रीमियम में दिया हो। सकता है मैं डिबेंचर खरीदने के बाद में मैं उसको कैश में सलटा दिया, मेरे को नहीं पालना है। ठीक है, पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। मैंने कुछ एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया, लिक्विड पुराना कंपनी का लिक्विडेशन एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि पुराना कंपनी का मैंने सारा एसेट लाइबिलिटी खरीद लिया, उसके पास कुछ बचा ही नहीं लिक्विडेशन एक्सपेंस देने के लिए, तो वो मैं दे रहा हूं। एनीवे, मेरा तो जो भी मैं पेमेंट करूंगा सब गुडविल में एडजस्ट होगा। न्यू कंपनी का खर्चा मैंने दे दिया, स्टैट्यूटरी रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होगा? अमलगमेशन, एडजस्टमेंट रिजर्व डेबिट टू, स्टैट्यूटरी रिजर्व। बींग स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ ओल्ड कंपनी कैरिड फॉरवर्ड बाय न्यू कंपनी। ठीक है, म्यूचुअल
इनडेटेबनेस सेट ऑफ। सपोज करो तुम मेरा अमलगमेशन के पहले तुम मेरा क्रेडिटर था, तुम मेरे बुक्स में क्रेडिटर था, ठीक है ना। तो तुम जब मेरा लाइबिलिटी खरीदा उसमें तुम भी था, तो तुमने अपने आप को खरीद लिया, और यही चीज तुम्हारे अपने बुक्स में एज अ डेटर पड़ा है। तुम मेरे क्रेडिटर थे तो तुमने मेरा एसेट लाइबिलिटी खरीदा। इस लाइबिलिटी में तुम भी आ गया, यही तुम्हारे बुक्स में एज अ डेटर पड़ा हुआ है। अब तो सेम हो गया ना, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल इनडेटेबनेस सेट ऑफ। हम अपना क्रेडिटर कम कर देगा और डेटर भी कम हो जाएगा अमलगमेशन के बाद, पहले कुछ नहीं होगा। एसो मीन सेट ऑफ। स्टॉक रिजर्व, तुमने एसेट लाइबिलिटी खरीदा, इस एसेट में तुमने इन्वेंटरी भी खरीदा, ये इन्वेंटरी मैंने तुम्ही से खरीदा था। तो अल्टीमेटली तुम्हारा ही बेचा हुआ इन्वेंटरी तुम्हारे पास वापस आ गया, तो तुमने इसमें जितना भी कमाया था उसको अनरियलाइज प्रॉफिट स्टॉक रिजर्व एलिमिनेट करेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट, इसको बोलते हैं हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री। यूपी अनरियलाइज प्रॉफिट एलिमिनेटेड। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है। अगर आप लाइन से देखोगे, सबसे पहले आपने बिजनेस खरीदा है, राइट? सबसे पहले आपने क्या खरीदा है? बिजनेस खरीदा है, परचेज कंसिडरेशन। बिजनेस खरीदा, पैसा लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी को देना है। अब बिजनेस खरीदा है, इसमें चिंगारी लगाओ, इसमें से एसेट्स लाइबिलिटी ऑफ ओल्ड कंपनी निकल रहा है। कई बार अनार खरीद के लाते फुसकी भी निकलता है। कहने का मतलब है परचेस कंसिडरेशन इज मोर देन नाटो, तो गुडविल आएगा। अगर परचेस कंसिडरेशन कम है नेटो से, तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा इधर में। तो अनार जला दिया मतलब बिजनेस परचेस कंसिडर, बिजनेस बिजनेस परचेस को क्रेडिट करके जो जो निकल रहा है उसको दिखाओ फेयर वैल्यू में।
राइट, पीसी का पेमेंट कर दो। पीसी किसको देते हैं? शेयर होल्डर को देते हैं। मर्जर में पीसी में इक्विटी शेयर होल्डर को खाली इक्विटी शेयर ही देंगे। कंडीशन इक्विटी का है, मतलब प्रेफरेंस को मैं कुछ भी दे सकता हूं। राइट, लेकिन मैं यहां पे इक्विटी शेयर होल्डर को कैश भी दे रहा हूं, डिबेंचर भी दे सकता हूं, इसीलिए ये परचेज मेथड है। मर्जर है कि परचेस है? क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा दोस्त। ये तो मैं एंट्री कर रहा हूं, मैंने क्या क्या दिया? जो आपने डिबेंचर खरीदा था, लाइबिलिटी टेकन ओवर में डिबेंचर भी आ गया, उसको सेटल कर देंगे। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस मैं दे रहा हूं, गुडविल बढ़ा दूंगा। टैक्स हॉलिडे कॉन्सेप्ट, खरीदने के बाद डेटर क्रेडिटर से मैं म्यूचुअल इंडेटेडनेस सेट ऑफ, मेरा ही बेचा हुआ माल मेरे पास वापस आ गया, स्टॉक रिजर्व। दीज आर द एंट्रीज, बस और कुछ नहीं करना है हमको। इज इट ओके? चलो लेट अस स्टार्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन 5 पढ़िए। इतना भी क्वेश्चन है ना, सबको हम लोग ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी दोनों से कर सकते हैं। राइट, सबको हम लोग ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी दोनों से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? चलिए इलस्ट्रेशन 5 पढ़ना है। Why acquires the business of Z Limited? क्वेश्चन पढ़ते मैंने बताया था, बता देना amalgamation है, absorption है कि external reconstruction है। जब एक दूसरे को खा जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एब्जॉर्प्शन। सर कोई किसी को खाए या दो मिलके नया बने, उसे क्या फर्क पड़ता है? या एक को बंद करके नया चालू करें? अपन को फाइंड आउट क्या करना है, नया कंपनी कौन सा है, पुराना कंपनी कौन सा। तो इसमें नया कंपनी कौन है? वाई हमारा न्यू कंपनी हो गया, ओल्ड जेड। क्लियर हो गया? कौन किसको पीसी देगा? पीसी विल बी गिवेन बाई वाई लिमिटेड टू हुम? इक्विटी शेयर होल्डर ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ जेड लिमिटेड। इज इट फाइन? हाँ या ना? तो जेड का बैलेंस शीट दे दिया, शेयर कैपिटल रिजर्व लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, ये सारा एसेट लायबिलिटी सब जेड का है। शेयर कैपिटल में इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है। कैपिटल रिजर्व है, पीएल है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट में गुडविल पेटेंट वगैरह सब कुछ है। इसी लाइन से मालूम चल जाएगा मर्जर मेथड है कि परचेज मेथड है ये। बोलो कौन सा मेथड है, कैसे है मालूम चला? कैश नहीं खरीद रहा है, वेरी गुड। ऑल एसेट्स लिख तो दिया लेकिन कैश नहीं बाई हो रहा है। सिंस कैश नॉट परचेज बाई न्यू कंपनी देयर फॉर इट इज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, देयर फॉर परचेज मेथड विल अप्लाई। ठीक है, लाइबिलिटी में भी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग नहीं खरीदा है। देखो अदर करेंट लाइबिलिटी है ना, ये देखो अदर करेंट लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी भी नहीं खरीदा है, ये लाइबिलिटी नहीं खरीदा नया कंपनी और कैश नहीं खरीदा, तो एक एसेट नहीं खरीदा एक, तो ये मर्जर हो नहीं सकता। फर्दर पुराना कंपनी का डिबेंचर कितना है? 2 लाख। ठीक है, लिखा है नया कंपनी 2 लाख का डिबेंचर दे रहा है, अपना बदले में 2 लाख का डिबेंचर दे रहा है, मतलब 2,000 डिबेंचर दे रहा है। हाँ? लेकिन नया कंपनी का एक एक डिबेंचर का कीमत कितना है? तो हम तुमको कितने का डिबेंचर दे रहे हैं? तो बुक वैल्यू में तो नहीं खरीदा तुमने, फेयर वैल्यू हो गया ना। मैंने डिबेंचर खरीदा, अगर मैं 2 लाख के बदले में 2 लाख का डिबेंचर देता, वर्थ वर्थ डिवेंचर 2 लाख के बदले में 2 लाख का ही दे रहा हूं, लेकिन मेरा 2 लाख का डिवेंचर का वर्थ इज 210, तो मैं डिवेंचर को खरीद कितने में रहा हूं? 2 लाख में खरीद रहा हूं कि 2,10,000 में खरीद रहा हूं? तो अगेन ये मर्जर मेथड नहीं है, परचेज मेथड हो गया, क्योंकि नो एडजस्टमेंट शुड बी मेड टू द बुक वैल्यू। उसका बुक वैल्यू में कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बदले में जो दे रहा हूं उसका वैल्यू तो ज्यादा है। कदम कदम पे मेरे को तो एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगा तो परचेज मेथड हो जाएगा। मैं एक और दिखा दिया तुमको, डिबेंचर वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई, मतलब लाइबिलिटी है ये, लाइबिलिटी शुड बी टेकन ओवर एट, लाइबिलिटी शुड बी टेकन ओवर एट, बोलो एट बुक वैल्यू, लेकिन लाइबिलिटी मैं कितने में खरीद रहा हूं? मैं तुमको कितने का सामान दे रहा हूं? 2,10,000 का ना। सो आई एम बाइंग लाइबिलिटी एट मोर देन द बुक वैल्यू, सो अगेन इट इज नॉट अ मर्जर मेथड। लाइबिलिटी शुड बी टेकन एट ओवर एट बुक वैल्यू फॉर मर्जर मेथड। तो ये वाला सीन भी नहीं है यहां पे। क्वेश्चन में जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। प्रेफरेंस शेयर को मैं कैश दे रहा हूं, बदले में प्रेफरेंस शेयर भी दे रहा हूं, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर को कैश दे रहा हूं, बदले में प्रेफरेंस इक्विटी शेयर भी दे रहा हूं। अगेन इक्विटी शेयर को खाली इक्विटी शेयर मिलने से ही मर्जर होता है ना। अगेन ये तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। हाँ ना, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस नया कंपनी रीइंबर्स करेगा 10,000 जितना,
खर्चा 12,500 का हुआ, इसका मतलब क्या है? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 12,500 का है, हाँ ना? 2,500 कौन पे किया? जेड ओल्ड कंपनी, और 10,000 पेड भाई। नया कंपनी देखो, लैंड एंड बिल्डिंग 5,50,000 में फेयर वैल्यू है, अगेन एडजस्टमेंट इज डूइंग, प्लांट एंड मशीनरी 650, पेटेंट 20, देखो ऊपर में पेटेंट 50 का है, लेकिन नया कंपनी कितना में खरीद रहा है, मतलब वो फेयर वैल्यू में दिखाएगा, ही इज नॉट शोइंग दीज एसेट्स एट बुक वैल्यू। तो जगह जगह पे मर्जर मेथड का धज्जिया उड़ा दिया है ये सब। Are you getting my point? What I'm trying to say? बोलो, ठीक है? तो सबसे पहले परचेस कंसिडरेशन बताओ मेरे को, यहां पे नेट पेमेंट मेथड से है कि नेट एसेट मेथड है? यहां पे परचेस कंसिडरेशन कौन से मेथड से करेंगे हम लोग? पेमेंट मेथड बता दिया, किसको कितना दे रहा हूं। जब पेमेंट डिटेल्स पूरा होगा, पेमेंट मेथड लगेगा। पूरा तो बता दिया है क्वेश्चन में, बताया कि नहीं बताया? एक एक प्रेफरेंस शेयर को 10 रुपया कैश और एक प्रेफरेंस शेयर नया का, एक एक इक्विटी शेयर को 20 रुपया कैश और एक नया का इक्विटी शेयर, राइट? तो पहले देखना पड़ेगा ओल्ड कंपनी का कितना है। आठ हजार इक्विटी शेयर है, चार हजार प्रेफरेंस शेयर है। इज इट फाइन? 8,000 इक्विटी शेयर है और 4,000 का प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, सही है, इलस्ट्रेशन 5। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन, पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग्स, अमाउंट। सही है कि गलत है? इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ
जेड लिमिटेड, कितनी तादाद में है ये लोग? 8,000 इक्विटी शेयर है, तो इनको मैं कैश भी दे रहा हूं, कैसे? 20 रुपया पर शेयर और 8,000 है ये लोग, तो 1,60,000 का कैश मिला इनको, इक्विटी शेयर ऑफ वाई भी मिल रहा है, एक के बदली में एक, एक ओल्ड के बदली में एक नया, तो 8,000 के बदली में 8,000। और नया कंपनी का एक एक शेयर का मार्केट प्राइस 140 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना? सो 11,20,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ जेड लिमिटेड। ये लोग नंबर में नाइन परसेंट प्रेफरेंस शेयर दे रहा हूं, एक ओल्ड के बदले में एक नया, ठीक है ना? 17,20,000 आएगा कंसिडरेशन। बहुत सिंपल है, हर एक शेयर होल्डर का कैटेगरी को हालांकि ये टोटल कंसिडरेशन नहीं है, मैं तुम्हारा लिक्विडेशन एक्सपेंस भी दे रहा हूं, मैं तुम्हारे डिबेंचर होल्डर को भी दे रहा हूं, लेकिन एज पर AS 14 वही आएगा जो शेयर होल्डर के लिए है। इज इट फाइन एवरीवन? पक्का? एक तो बंद कर दो, दोनों क्यों चलाया है? ठीक है, डन। अब एंट्री होगा नया कंपनी का बुक्स में, टोटल में आठ आठ एंट्री हमको दिखाई दे रहा है, कितना? 8, ठीक है ना?
सबसे पहला क्या होगा? बिजनेस परचेज डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ जेड लिमिटेड, हाँ या ना? बोलो, सही है ना? सत्रह लाख बीस हजार, पैकेट खोलो। 17,20,000 का क्या लेके आया है दिखाओ। सारा एसेट निकल रहा है ये बिजनेस परचेज। इसमें से पेटेंट निकला 20,000 में, फेयर वैल्यू में निकलेगा। मर्जर नहीं है ये। मर्जर होता तो जिसमें जिस वैल्यू में तुम्हारे बुक्स में दिखाया हुआ है वही वैल्यू निकलेगा। लैंड एंड बिल्डिंग 5.5 लाख, प्लांट 6.5 लाख, ऐसा ही कुछ है शायद। डिबेंचर 2.1 लाख। जिस एसेट के बारे में कुछ नहीं बोला है वो बुक वैल्यू में ही निकलेगा। कॉमन सेंस का बात है ये। ऑलरेडी पुराना कंपनी में गुडविल है, उसको अलग से नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इस एंट्री का बैलेंसिंग फिगर भी गुडविल होता है। तो क्वेश्चन अब देखते हैं क्या क्या निकलेगा। स्टॉक निकलेगा, डेटर निकलेगा, ये सब बुक वैल्यू में निकलेगा। इंटेंजिबल एसेट नीचे है, देखते हैं। पेटेंट निकलेगा 20,000 में, गुडविल नहीं निकालेंगे अलग से क्योंकि एंट्री का बैलेंसिंग फिगर भी गुडविल होता है। वापस ऊपर जाओ, पीपीई में 10 लाख, नीचे आओ। लैंड एंड बिल्डिंग 5.5 पे निकलेगा, नीचे दिया हुआ है। 6.5 पे निकलेगा, तो तुम दोनों निकलोगे। ये 5.5, ये 6.5 में निकलेगा। वापस ऊपर जाओ, सारा एसेट हो गया है ना। ट्रेड पेबल कुछ नहीं बोला है तो बुक वैल्यू में निकलेगा। ये वाला 2,10,000 में निकलेगा, रिजर्व लेते नहीं हम लोग। है ना? लेकिन रिजर्व में एक लाइबिलिटी है, उसको भी निकालना पड़ेगा। रिजर्व देखो नीचे, ये इसको दिखाते रिजर्व एंड सरप्लस में, बट ये एम्प्लॉई कॉम्पेंसेशन हो गया, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन। बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ प्रोविजन। लाइबिलिटी बोल दिया, एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी क्या है इसको भी निकालेंगे। ये नहीं निकलेगा तो सारा एसेट लाइबिलिटी निकलेगा, हाँ या ना? आइए करो, एंट्री करो, धीरे धीरे करो।
धीरे धीरे निकालो। अच्छा लाइन से सारा एसेट निकालो। लैंड एंड बिल्डिंग का फेयर वैल्यू दिया है 550 पे निकाला, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी को निकालो 650 में। पेटेंट को निकालो 20,000 में। इन्वेंट्री को निकालो कितना है? हाँ? इन्वेंट्री 150 पे निकलेगा। ट्रेड रिसीवेबल को निकालो। हाँ? वन लैख एट्टी। एक लाइन छोड़ दो। अब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन निकलेगा, लाइबिलिटी निकल रहा है 5,000 का। डिवेंचर इन जेड लिमिटेड निकल रहा है 2,10,000 पे निकलेगा, मार्केट वैल्यू पे, फेयर वैल्यू। अगर आप इसको 2 लाख का माल 2,105 में दे रहे हैं, आप नंबर ऑफ डिबेंचर भी तो कम करके दे सकते थे, लेकिन आपने इसको ज्यादा दिया, राइट? एनीवे, ट्रेड पेबल कितना है? और भी कुछ है क्या? आया ना? हाँ? और ये मेरा खाली हो गया, लोटा अनार खाली हो गया, जल गया पूरा। तो बिजनेस परचेज को क्रेडिट, आज बिजनेस परचेज को क्रेडिट करेगा तो ही ना ये सब निकला। अब इसमें जो डिफरेंस है वो गुडविल कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। राइट? अब ध्यान से सुनना, अभी अभी गुडविल बैलेंसिंग फिगर आएगा। पहले देखो, एक सेकंड सुनो। यहां से लेके यहां तक का नेटो निकालो, कैलकुलेट नेटो, एसेट माइनस लाइबिलिटी करके पहले नेटो निकालो। नाटो बारह लाख पंद्रह हजार आएगा। 12 लाख आपने दे, आप दे कितना रहे हैं? ज्यादा दे रहे हैं ना? गुडविल अकाउंट डेबिट,
इज इट फाइन एवरी वन? क्लियर? अब आगे करना है हम लोगों को. लिक्विडेटर ऑफ जेड लिमिटेड डेबिट 17,20,000, हाँ है ना? टू इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू जाएगा. मैंने जनरल एंट्री में बताया ना, मैंने इश्यू किया, जो इश्यू करता है वो किसी भी वैल्यू में कर सकता है, बट एंट्री करते हुए उसको ध्यान देना है. राइट? आठ हजार शेयर का 40 करके एक्स्ट्रा, मैं कैश भी दे रहा हूं तुमको, लेकिन मैंने और किसी को भी दिया है प्रेफरेंस को भी, वो भी तो आएगा पीसी में, तो एक साथ मैं 2,00,000 लिख दिया. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पूरा 100 में इशू हुआ है, पूरा 4,00,000 कैपिटल में जाएगा. बीइंग पीसी पेड, ठीक है? पुराना लायबिलिटी सेटल होगा, डिबेंचर को सेटल करना है. दो दस में खरीदा है, नया कंपनी अपना डिबेंचर दे रहा है 2,00,000 का, लेकिन इश्यू किया 10,000 एक्स्ट्रा में. इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम आ रहा है, डिबेंचर्स एक्सचेंज्ड. ठीक है ना? 10,000 मैंने दिया है गुडविल लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का तुम्हारा.
पीसी कैलकुलेशन बहुत सिंपल था, राइट? मैंने बिजनेस खरीदा, अच्छा, अब अपने को बैलेंस शीट भी बनाने बोल सकता है पोस्ट एक्वायरिंग, तो ये वाला कट जाएगा बिजनेस परचेज, बिजनेस परचेज के साथ, ठीक है? लिक्विडेटर कट गया लिक्विडेटर के साथ, पुराना डिवेंचर के बदले में नया डिवेंचर दे दिया मैंने, तो मैं जब बैलेंस शीट बनाऊंगा, बैलेंस शीट ऑफ वाई, आफ्टर अब्सॉर्प्शन, तो मेरा जो अपना बैलेंस शीट है ना, बिफोर एब्जॉर्प्शन वाला बैलेंस शीट के साथ में एसेट लाइबिलिटी परचेस्ड, शेयर इश्यूड, डिवेंचर इश्यूड, है ना? यहां पे मेरा अपना नहीं दिया हुआ है, बिफोर एब्जॉर्प्शन वाला नहीं दिया है, जेड का है, जेड से तो अपने को मतलब, मैं तो अपना वाला के साथ ये सब ऐड करूंगा ना, मेरा लैंड एंड बिल्डिंग के साथ इसका लैंड एंड बिल्डिंग ऐड हो जाएगा, मेरा प्लांट के साथ इसका प्लांट ऐड होगा, मेरा पेटेंट के साथ ये वाला पेटेंट ऐड होगा, मेरा इन्वेंट्री के साथ ये इन्वेंट्री ऐड होगा, मेरा ट्रेड रिसीवेबल के साथ ऐड होगा, मेरे बुक्स में भी अगर गुडविल है तो उसके साथ ये गुडविल ऐड हो जाएगा, मेरे बुक्स में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन तो उसके साथ ऐड हो जाएगा, सारा एसेट लाइबिलिटी मेरा एसेट लाइबिलिटी के साथ ऐड हो जाएगा, डन। तो भी शेयर इश्यू क्या हो, मेरा ऑलरेडी इश्यूड कैपिटल में ऐड हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा, डिवेंचर मेरा वाला डिवेंचर के साथ ऐड हो जाएगा जो मैंने नया एक्सचेंज करवाया, और कैश जो मैंने पे किया वो मेरा कैश के साथ कम हो जाएगा, लेकिन मेरा वाला नहीं दिया भाई इस क्वेश्चन में। अगर मेरे को बनाने बोलता भी है तो ये पांच एंट्री के बेसिस पे मेरे को बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? बाकी फिर मंडे को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट।